हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, ये है ग्रीन स्क्रीन। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूँ, जैसे कि मैं इसको ओपन किया तो आपको बस ये एक ग्रीन कपड़ा दिख रहा होगा। बट गाइस, ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको बताऊँगा। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाई देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो ये एक ग्रीन स्क्रीन है। और इसका इम्पोर्टेंस गाइस, जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर जो लोग ग्राफिक में काम करते हैं, उन लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता होगा। गाइस, अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर से बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे में कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। अभी मैं बस एक चुटकी मारूंगा तो देखना मैं लंदन पहुंच जाऊंगा। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी लंदन आ गया हूँ। पीछे में आप देख सकते हो लंदन का टाउन है, यहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ बीस बाजार में। तो गाइस, अभी आप देखना मैं दूसरा चुटकी मारूंगा तो मैं सीधा पेरिस पहुंच जाऊंगा। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं अभी पेरिस आ गया हूँ। आप मेरे पीछे में देख सकते हो ये पेरिस टावर। तो चलिए गाइस, अभी हमने लंदन घूम लिया, पेरिस घूम लिया, अभी वापस हम इंडिया जाते हैं। गाइस, मैं वापस इंडिया आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे भी इंडिया गेट है। तो गाइस, मैंने ये कैसे किया, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे भी ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है। मतलब अभी मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पीछे में एज ए बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है। रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं इस फुटेज को, मतलब इस वीडियो क्लिप को, मैं अपने सॉफ्टवेयर यानी कि कोई भी हो, काइनमास्टर, फिल्मोरा या फिर फिल्मोरा गो या फिर आप प्रीमियर प्रो, आप जहाँ भी वीडियो एडिटिंग करते हो उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर मैं ले जाके इसका जो बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद गाइस, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिमूव ग्रीन स्क्रीन करके। रिमूव ग्रीन स्क्रीन करके आप वहां पर कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पेरिस का, लंदन का और इंडिया गेट का बैकग्राउंड लगाया। ये सब बैकग्राउंड आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप उसको डाल के इसको रिमूव करके कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो चलिए, मैं अभी आपको कंप्यूटर में ले जाकर एडिट करके दिखाता हूं किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके कोई भी बैकग्राउंड कैसे आप लगाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये सब वो वीडियो जिसको मैंने रिकॉर्ड किया ग्रीन स्क्रीन पर। अभी मैं इन ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड रिमूव करके यहां पर कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा के आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको गाइस क्या करना होगा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। मैं यहां पर फिल्मोरा 9 यूज करता हूं, वंडरशेयर फिल्मोरा 9। तो मैं सिंपली यहां पर वंडरशेयर फिल्मोरा 9 को ओपन करता हूं। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप उसको ओपन करके उसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहां पे वंडरशेयर फिल्मोरा 9 को ओपन कर रहा हूं। उसके बाद गाइस, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है फिल्मोरा 9। उसके बाद आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। तो आपको सिंपली क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा। इसका जो इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो वीडियो फुटेज है जिसको हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे या फिर जिसको हम दूसरा बैकग्राउंड लगाएंगे, उस वीडियो फुटेज को आपको यहां पर ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप चाहो तो सिंपली इसको माउस से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। वरना नहीं तो आप सिंपली आप फाइल में जाइएगा, यहाँ पे आपको ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है, आप सिंपली इंपोर्ट में क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट मीडिया फाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो भी आपको ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इसको होल्ड करके आप यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे टाइमलाइन पर ला सकते हो। उसके बाद देखिए आपको रेजोल्यूशन ये आपको मांग रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कीप प्रोजेक्ट सेटिंग पर रहने देना है। आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मैच टू मीडिया और कीप प्रोजेक्ट सेटिंग। तो हम यहाँ पे कीप प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है यहाँ पर टाइमलाइन पे आ चुका है। ये आपका टाइमलाइन हो गया और ये आपका हो गया विंडो प्रीव्यू, मतलब आप जो भी चेंजेस करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद गाइस, हमें अभी क्या करना होगा, ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करना होगा। सो गाइस, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे जो वीडियो है इसके आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीन स्क्रीन करके, तो आपको सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन आ जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो माउस से सिंपली आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यही है आपका ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रोमा की है, जैसे ही टिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली जो ग्रीन था उसको रिमूव कर दिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ठीक, ग्रे कलर है, ठीक से। इसका मतलब ये है कि ये ठीक से ग्रीन रिमूव नहीं हुआ है। तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि लाइटिंग का इशू था और कहीं कहीं लाइट ज़्यादा था, कहीं कहीं कम था, इसलिए ठीक से रिमूव नहीं हुआ। तो उसको आपको मैन्युअली रिमूव करना होगा। तो अगर इसको मैन्युअली रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको ऑफसेट है, ठीक है। तो अगर आप ऑफसेट को अगर आप थोड़ा लेफ्ट राइट में लेके देखेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, मतलब आपको ये रिमूव करने टोटली ब्लैक होना होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, मैं राइट साइड में लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हो ये टोटली ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो ग्रीन स्क्रीन है टोटली रिमूव हो गया है। उसके बाद टॉलरेंस आप देख सकते हो, अगर जितना भी थोड़ा बहुत अगर कहीं पर ग्रीन रह जाता है उसको आप इस टॉलरेंस से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पर टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, वैल्यू 49 कर दिया। उसके बाद गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर और एक ऑप्शन है
एज थिकनेस का, तो जो थिकनेस एज का जो थिकनेस है उसको भी अगर आप चाहो तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया है, आपको सिंपली अभी ओके में क्लिक कर देना है। अभी आपको जो वीडियो है वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। अभी आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ, जिसको मैंने ये वाला बैकग्राउंड, तो गाइस इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है गाइस, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया गया है, पिक्सेल वीडियो है, ये सब रॉयल्टी फ्री है, आपको गूगल पर मिल जाएगा। अभी गाइस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो फुटेज है इसको आपको सिंपली टाइमलाइन पे लेके आना है, ठीक है। तो मैंने ये टाइमलाइन पे लेके आ गया, अभी ऊपर में है इसलिए हमारा वीडियो या फिर सोने हो रहा है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो है इसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, छोटा बड़ा या फिर कहीं भी आप इसको रख सकते हो। अगर आपको इस साइड में रखना है या फिर यहाँ पर रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके रख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर रख दिया, और आप चाहो तो इसको और भी थोड़ा बिग भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ से इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके यहाँ पर एक दूसरा बैकग्राउंड लगा दिया है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वीडियो है प्ले हो रहा है पीछे में, और मैं आगे से बात कर रहा हूँ, मतलब इतना देखने में इतना कूल लग रहा है कि पूरा ओरिजिनल जैसे लग रहा है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करोगे मेक श्योर कि आप कभी भी ग्रीन वाला कपड़ा नहीं पहनना है आपको। मतलब अगर पीछे में ग्रीन है तो आपका कपड़ा में, आपका शर्ट लॉन्ग पैंट, आप जो भी कपड़ा वेयर करते हो, आपका बॉडी में ग्रीन स्क्रीन वाला कपड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है वो वीडियो, यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, मेरा जो टी-शर्ट है टी-शर्ट पे थोड़ा बहुत ग्रीन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए ये मेरा जो टी-शर्ट है टी-शर्ट पे कुछ यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने क्रोमा की को रिमूव किया, ग्रीन कलर रिमूव किया, ये जो मेरा टी-शर्ट में जो ग्रीन था ये भी रिमूव हो गया है। इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब देखना, मैं यहाँ पे जब वीडियो प्ले करूँगा तो इस ये जो पोर्शन है जहाँ पे ग्रीन था ना, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, आपको पीछे वाला दिखाई देगा। देखना मैं प्ले करूँगा तो आप देख लेना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा टी-शर्ट से, ये जो ग्रीन पोर्शन था वो अभी देखिए बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ। इसीलिए गाइस हमेशा याद रखना, जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करोगे आपका जो कलर है हमें सॉलिड कलर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एक कपड़ा पहन लो, मतलब ग्रीन कलर को छोड़ के, मतलब रेड, ब्लू, येलो, पिंक, कोई भी एक सॉलिड कलर वाला कपड़ा पहन लो, उसमें ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब उसके बाद जब आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो वो सही से रिमूव हो जाएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।